दोस्तों बॉलीवुड में केवल एक ही एक्टर ऐसे हैं जो हर साल काफी सारी फिल्में एक साथ देते हैं और उनका नाम है अक्षय कुमार। और इस साल भी वो अपनी एक और फिल्म लेकर आ रहे हैं जिसका नाम है हाउसफुल 4 और ये फिल्म इसी साल दिवाली पर रिलीज होने वाली है। अब ये बात तो हम सभी जानते हैं, पर जो हम नहीं जानते हैं वो है इस फिल्म की कहानी। तो दोस्तों इस वीडियो में मैं आपको हाउसफुल 4 की कहानी के बारे में बताऊंगा। हेलो दोस्तों, मेरा नाम है अर्जुन दीवान और स्वागत है आप सभी का हमारे चैनल बॉलीग्रैड स्टूडियोज पर। दोस्तों दिवाली के त्योहार पर लोग हल्की फुल्की और हंसी मजाक से भरपूर फिल्में देखना पसंद करते हैं और शायद इसी वजह से उन्हें इस दीपावली पर रिलीज होने वाले हाउसफुल फ्रेंचाइजी का चौथा पार्ट हाउसफुल 4 भी पसंद आ जाएगा, क्योंकि इस फिल्म के ट्रेलर को और फिल्म के गाने को लोगों ने बहुत पसंद किया है। अब इस फिल्म की कहानी बताने से पहले बात करते हैं हाउसफुल सीरीज की। पहली हाउसफुल मूवी 2010 में आई थी और लोगों को काफी ज्यादा पसंद भी आई थी। अब उस वक्त सीक्वल का दौर चल रहा था तो दूसरी हाउसफुल भी उसके 2 साल के अंदर ही यानी कि 2012 में रिलीज कर दी गई थी और वो फिल्म भी काफी ज्यादा हिट रही थी। और इसके बाद 2016 में हाउसफुल सीरीज का तीसरा पार्ट आया जो लोगों को कुछ ज्यादा गुदगुदा नहीं पाया। अब बात करें किरदारों की तो सारी हाउसफुल फिल्मों में अक्षय कुमार और रितेश देशमुख कॉमन रहे हैं और इन दोनों के साथ साथ बोमन ईरानी और चंकी पांडे भी नजर आए हैं। अब जैसे जैसे फिल्म की कहानी बदलती है तो फिल्म के अकॉर्डिंग न्यू कैरेक्टर्स को इंट्रोड्यूस किया जाता है और पहले के किरदारों को दोबारा से रीडिफाइन करके दिखाया जाता है। अब बात करें हाउसफुल 4 की कहानी की तो इस फिल्म में पुनर्जन्म और कंफ्यूजन का जबरदस्त तड़का लगाया गया है। इस फिल्म की जो कहानी है वो 600 वर्षों में फैली हुई है। एक 1419 के जमाने की कहानी है और दूसरी 2019 की। सबसे पहले बात करें 1419 की तो 1419 में सीतमगढ़ में 3 जोड़े एक दूसरे की मोहब्बत में खोए रहते हैं, लेकिन जमाने को ये पसंद नहीं आता और एक षड्यंत्र रचा जाता है और इस षड्यंत्र के चलते इन सभी लोगों को अलग अलग कर दिया जाता है। अब इसके बाद कहानी शिफ्ट होती है 2019 में। लंदन में तीनों लड़कों और तीनों लड़कियों का जन्म फिर से होता है और वो फिर से एक बार प्यार में पड़ जाते हैं, लेकिन यहाँ पर एक ट्विस्ट डाला गया है और वो ट्विस्ट ये है कि इस बार इन तीनों जोड़ों में अदला बदली हो जाती है। यानी कि जो लड़का 1419 में जिस लड़की से प्यार कर रहा था वो 2019 में दूसरी लड़की को दिल दे बैठता है और इस तरह से सभी जोड़ियों में गड़बड़ हो जाती है। लगता है कि भाग्य को भी ये मंजूर नहीं था। किस्मत तीनों को फिर से सीतमगढ़ ले जाती है। यहां आकर उन्हें पता चलता है कि पार्टनर्स बदल गए हैं। अब ये उलझी कड़ी किस तरह से सुलझती है, कैसे पुरानी बातें याद आती हैं, ये तो अब फिल्म के रिलीज होने के बाद ही पता चलेगा। तो दोस्तों ये थी हाउसफुल 4 की कहानी। आपको ये वीडियो कैसी हमें कमेंट सेक्शन में कमेंट करके जरूर बताएं और ऐसे ही बॉलीवुड इंटरेस्टिंग वीडियोस के लिए देखते रहिए हमारा चैनल एंड डोंट फॉरगेट टू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब।